नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच कई कर्मवीर अपने तरीके से काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत है जो अपने ही अंदाज में हंसते हुए सबका हौसला बढ़ा रही है। ये कहती है, डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर कोरोना को हराना है। साथ ही इनका संदेश है कि भीड़ में कहीं नहीं जाना है, भीड़ से खुद को बचाना है। इनकी सुरीली आवाज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो शुरू करते हैं हमारा एक खास कार्यक्रम, खास मुलाकात। तो आज हमारे साथ जो बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, उनके लिए बस इतना कहा जाएगा कि जब खुशबू मिट्टी की हो, महक अपनी संस्कृति की हो, सुरीली आवाज में शास्त्रीय संगीत का संगम हो, जिनकी आवाज में हौसले बढ़ाने का दम हो, तो जो नाम जेहन में आता है वो है माननीय अवस्थी का नाम। जिनको छूने वाला अंदाज, बेहतरीन अदाकार, पारंपरिक निवाज में जब स्टेज में परफॉर्म करती है तो बॉलीवुड की धूम भी फीकी पड़ जाती है। भोजपुरी लोकगीत की जब भी बात होती है तो खुद ब खुद माननीय अवस्थी का नाम अपने आप जेहन में समा जाता है। या फिर ये कहें कि माननीय अवस्थी भोजपुरी लोकगीत की पूरक बन चुकी है तो बात अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुशील मालवीय के गाए हुए कई ऐसे लोकगीत हैं जो फिल्मी दुनिया के हिट कहे जाने वाले सांग को चढ़ाते हुए नजर आते हैं। गांव की गलियों से लेकर चौबारे तक इन गीतों को गुनगुनाकर लोग यह एहसास कराने में जरा भी नहीं हिचकिचाते कि भोजपुरी लोकगीत आज भी हमारी संस्कृति और हमारे संगीत की आन बान और शान है। मालवीय जी ने लोगों को, खासकर एलीट क्लास कहे जाने वाले वर्ग को, इस बात का भी एहसास करा दिया है कि भोजपुरी अंग्रेजियत की मोहताज नहीं बल्कि हमारे देश की धरोहर है। यही वजह है कि मालवीय जी अवस्थी पद्मश्री मालवीय अवस्थी से जानी जाती है। आज कोरोना को हराने के लिए जो लोकगीत उन्होंने कहा और गाया है उसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। तो आज हमारे साथ खुद ऐसी हस्ताक्षर स्वराज एक्सप्रेस के साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। माननीय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम, खास मुलाकात स्वराज एक्सप्रेस के। माननीय जी, पहले तो निश्चित तौर पे आपका जो कोरोना को हराना है गाना आपने गढ़ा है, उसको उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह उसकी धूम है, गाया जा रहा, उसको सुन करके लोग अपने आप में साहस बटोर रहे हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा थोड़ा सा संगीत और इसकी बात कर ले, आपने ठुमरी भी सीखी है, भोजपुरी लोकगीत की आप हस्ताक्षर हैं, ये हमें संगीत का बहुत नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं ठुमरी और लोकगीत का जो सामंजस्य है उसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। जी, तो बहुत इंटरव्यू में देने वाला उत्तर नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल सवाल है, उसका प्रैक्टिकली उत्तर होता है। लेकिन मेरी तालीम शास्त्रीय संगीत की रही है जी। 5 बरस की थी तब से क्लासिकल ही सीखा, शास्त्रीय संगीत के संग संग और भी विधाएं सीखी, ठुमरी सीखी, गजलें भी सीखी, और लोक संगीत की मेरी अपनी स्वयं की एक प्रणति थी कि मैं इस पर काम करूं, और इसकी जो पीछे छिपा हुआ लालित्य है उसको मैं श्रोताओं के सामने लेकर आऊं। लोक गीत तो नहीं सीखा, सीखा क्या, वो तो संस्कार में खुशी की तरह मिलता है जी। और वो घर में ताई चाची लोग गाती थी, कई बार लोक कलाकारों को देखती थी तो उनके लिए बड़ा आदर सम्मान होता था। अलग अलग विधा के लोक कलाकारों को देख करके लगता था कि गाना बजाना है तो यही है जी। क्योंकि ये अपने अक्स हमारे देश की जड़ों का पेश कर रहे हैं जी। और फिर सारी शिक्षा, सारी कह लीजिए कि एक बुनियादी तालीम होने के बावजूद मैंने ये राह चुनी, और मुझे भी नहीं मालूम था कि इसमें कोई सफलता मिलेगी या फिर मैं कुछ लोगों की परसेप्शन या सोच को बदलने में कामयाब हो पाऊंगी। बस दिल में ये एक इच्छा थी कि चाहे वो लोगों की, हमारी दादी वगैरह की गाय हो, सोहर हो, बन्ने हो, उनके पीछे जो सामाजिक परिवेश है जी। जो हमारे पुरखे दरअसल कहना चाहते थे जी। इस तरह से मनोरंजन के लिए गाना नहीं गा रहे थे, वो भी मैं कहूँ, वो मैं बताऊँ, और
उसके लिए अपनी गायकी के माध्यम से मैंने रास्ता चुना और श्रोताओं को वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबको वो अपने घर की बात लगी, सबको वो अपनी बुआ अपनी दादी के गाने और वो रिलेट करते थे और लोगों ने पसंद किया और आज आपके सामने हूँ। निश्चित तौर पर मालनी जी, जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा है सुना है, आपको माँ से बहुत सहयोग मिला, फिर शादी के बाद पति से भी सहयोग मिला भोजपुरी लोकगीत गाने के लिए, लेकिन यहाँ एक बात यह है कि पिताजी आपके कुशल चिकित्सक, माँ क्लासिकल चाहती थी कि आप क्लासिकल संगीत सीखे, इसमें पिताजी कहीं पिताजी की जो इच्छा हो कहीं रोड़ा तो नहीं बनी? वो निश्चित चाहते रहे होंगे कि हमारी बेटी पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, IAS बने, एजुकेशन लाइन में जाए। नहीं नहीं नहीं, आपकी तो जानकारी पूरी दुरुस्त नहीं है। हमारे माता पिता दोनों ने कभी भी कोई दबाव नहीं डाला जी। और मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के भीतर खुद एक बीज होता है जी, करने का जी। हमारे समाज में अभी भी परसेप्शन है कि यदि लड़की कुछ भी करती है तो इसलिए तो अच्छा कर पाती है क्योंकि उसके पति अलाउ करते हैं, क्योंकि उसके माँ ने आगे बढ़ाया, क्योंकि उसके पिता ने आगे बढ़ाया जी। सच बात ये कि जिसके अंदर भी इच्छा शक्ति होगी तो वो सारे विरोधाभासों के बावजूद करेगी जी। ये सच है कि कोई भी लड़की हो जी, चाहे वो हमारे जमाने की हो या आज भी जो बेटी पढ़ रही है, सभी के लिए अवसर ढूंढ करके अपनी राह बनाना आसान नहीं होता जी। चाहे सबसे अच्छी परिस्थिति भी मिले, हमारे समय में हम लोगों ने जिस परिवेश में आंखें खोली, संस्कार में अपने जो आसपास देखते थे वहां पर यही सत्य जाना कि 20-21 साल में ब्याह हो ही जाना है जी, कैरियर लेना है, ये तो कभी सोचा ही नहीं गया उस दौर में जी। और सीखना संगीत वो तो मेरी माँ की जितनी इच्छा थी उतनी ही मेरे पिता की थी जी, जी। क्योंकि मेरे पिता बल्कि उस समय में डॉक्टर थे, मरीज देखते रहते थे, अस्पताल जाते थे, लेकिन वो बहुत पर्टिकुलर थे मेरी माँ के साथ साथ कि मैं जिस समय मुझे याद है मेरे बीच में एक जीवन में दौर आया कि मेरे दोनों गुरु एक हमारे जो उस्ताद थे शुजात साहब वो वापस रामपुर चले गए थे जी। और राहत साहब से सीखने लायक में उतनी बड़ी नहीं हुई थी जी। तो मेरे पिताजी ने कहा कि एक बालकृष्ण कलाकार जी थे तबला वाले थे गोरखपुर में, कि रोज उनको खुद गाड़ी में बैठ के मेरे पिताजी लेकर के आते थे आकाशवाणी से कि कम से कम तबले पे गाएगी तो लय में आएंगे, तो ये पिताजी की इतनी हो रही है तो ये हमारे यहाँ। लेकिन इसकी मंच में निकासी होगी या मैं कुछ इसको लेकर बड़ा रच पाऊंगी ये मुझे लगता है उन्होंने भी नहीं सोचा था। वो एक मेरे माता पिता हर माता पिता की तरह बहुत सकारात्मक सोच वाले अभिभावक थे जिन्हें लगता था कि कला से बच्चों को जुड़ना चाहिए और कला व्यक्तित्व विकास में भी बहुत सुंदर योगदान देती है जी। और इसलिए उन्होंने सीखने पे जोर दिया, बन दिया दोनों ने बराबर से, डॉक्टर बनो या क्या बनो ये तो मेरे हमारे अपने मुझे लगता है कि आसपास की लड़कियों को मैं देखती थी कि वो कॉम्पिटिशन दे रहे हैं या फिर रिसर्च करने की बात सोच रही हैं जी। लेकिन मैं फाइनेंस में थी, मेरे विषय तो पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और संस्कृत थे जी। तो शुरू से मैं कला की ओर ज्यादा आकर्षित थी, साइंस का तो मुझे कभी भी रुचि भी नहीं रही जी। लेकिन ये लगता था कि जीवन में जो भी करूंगी समाज से जुड़ा हुआ करूंगी, समाज के लिए करूंगी और मुझे खुशी है कि संगीत के जरिए वही कर पाई जी। अब मान लीजिए निश्चित तौर पर क्योंकि आपसे कभी रूबरू नहीं हुआ इस कारण हमारी जानकारी इसमें दुरुस्त नहीं, लेकिन आपके बारे में जो पढ़ा है उसी को अंदाज लेके सामान्य वर्ग से ब्राह्मण परिवार में आप एक सामान्य उसमें पैदा हुई थी, इस कारण मैंने सोचा कि लोगों को ये इच्छा रहती है कि हमारी लड़की का भविष्य जो आम फैमिली है वही मानते हैं कि पढ़ लिख करके कहीं जॉब करे और सुरक्षित रहता है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपके हम लोगों के समय में भैया हम लोग के समय में पढ़ लिख करके जॉब करे वाली भी सोच नहीं थी जी। पढ़ लिख के शादी हो जाए वाली सोच थी जी, जी, नौकरी करने वाली सोच तो इधर 20-30 साल से आई है जी। मेरी शादी को हो गई 31 बरस जी, जी। तो 31 बरस पहले आप समझ सकते हैं कि उस समय तो हम लोग 20 के हुए 20.5 तक शादी तय हो गई जी, पढ़ते पढ़ते ही शादी तय हो गई जी। तो उस समय तक लेकिन मैंने जैसा आपको शुरुआत से कहा कि बहुत हमारे परिवार में बहुत विचार बहुत खुले हुए थे
जी, क्योंकि उस समय संगीत सिखाना भी अपने आप में एक बहुत प्रगतिशील परिवार की निशानी थी। जी, और मुझे याद है कि जो हमारे दूसरे उस्ताद थे राहत अली खान साहब, बड़े मनमौजी थे, घर नहीं आ पाते थे सिखाने के लिए। तो मेरे पिता ने मेरी माँ से कहा कि देखो प्यासे को कुएं के पास ही जाना पड़ता है, कुआं नहीं आता है। जी जी जी। और फिर उन्होंने कहा कि तुम लेकर के जाओ, तो मेरी माँ खुद गाड़ी चलाकर मुझे लेकर के जाती थी। तो ये एक उस दौर में ना तो माँ स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती थी कि पिता न चाहे तो हम संगीत सीख ले ना हम लोग, लेकिन बाद में मेरे पिताजी खुद ही इस बात को कॉन्फेस करते थे कि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि ये मैं इसको इतना लंबा ले जाऊंगी या लोक गीत को अपना जीवन बनाऊंगी, ये तो कल्पना मेरे माता पिता जी को भी नहीं थी, बिल्कुल जी जी जी, किसी को नहीं थी, मेरे पति को भी नहीं थी, किसी को नहीं थी। इसीलिए मैंने सवाल पूछा था आपसे। जी 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 जी, आप बोले। लेकिन कभी भी उन्होंने इच्छा शक्ति कभी अपनी इच्छा नहीं थोपी कि डॉक्टर बन जाओ या गाना मत सीखो, जो अपने मूल सवाल का वो दरअसल पिताजी की प्रेरणा थी कि संगीत जरूर सीखे। जी, निश्चित तौर पर आप थोड़ा सा दूसरी उस पर हम जाते हैं। आप, हो सकता है ये मेरी जानकारी दुरुस्त ना हो, लेकिन मैंने जो पढ़ा है कि भोजपुरी संगीत में अश्लीलता हावी होती जा रही थी, ऐसी स्थिति में आपने उस अश्लीलता को भोजपुरी संगीत से, भोजपुरी लोकगीत से समाप्त करने की सोची और उसको लगभग आपने समाप्त करने में आप सफल भी रही। इसमें कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? बहुत ज्यादा। जी, मैं अपने आप, हम अपने मुंह से क्या कहें कि हमने कोई इसमें सफलता पाई। जी, ये जरूर मुझे हमेशा से एक पुरानी कहावत, अकबर बीरबल के समय में एक हम लोग किस्सा पढ़ते थे कहानी जी, कि लकीर बड़ी खींच दो जी, तो जो पुरानी लकीर है अपने आप छोटी पड़ जाती है। जी जी, तो ये कई बार मुझे, मैं सबसे बड़ी मेरे सामने चुनौती एक बहुत बड़ी ये भी थी कि जब 90 के दशक में मंच पे मैं गा रही थी जी, तो उस समय तक इतना कलुषित हो चुका था कहीं ना कहीं संस्कृति भोजपुरी के नाम पर जी। और कुछ संगीत कंपनियां व्यावसायिक लाभ के लिए इस प्रकार का दोहन कर रही थी जी, मैं कहूंगी लोगों के भावनाओं का जी, कुछ भी लिख करके जी, और कुछ कलाकार कुछ भी गा करके अपने बिना जिम्मेदारी को समझे कि कई बार ये लगता था कि ऐसे मंच पे कैसे जाएं। मैं जब देखती थी कि मेरे आगे पीछे कौन कलाकार मंच पे है तो सोचती थी कि मैं सही कर भी रही हूँ। एक दो बार तो ऐसा भी है कि मैंने कार्यक्रम करने से मना कर दिया, बॉयकॉट करना शुरू किया। शुरू में कलाकार जब पैर जमाता है जी, तो उसके लिए मैं यही सुनती थी हर चीज हाँ करनी जरूरी है, सब चीजें करनी जरूरी है, लेकिन उसमें भी अपना विवेक जागृत रखना चाहिए कि आप किस तरह की चीजों से अपना नाम जुड़ा देखना चाहते हैं जी। और मुझे लगता है व्यक्ति जो कहता है, जैसे आज भी मैं जो बोल रही हूँ या जो गाता है, जो विचार रखता है, वो उसकी अपनी प्रवृत्ति को ही प्रदर्शित करते हैं। मैं आज जो बोल रही हूँ वो मैं क्या हूँ ये झलकेगा ना, मैं एक जो मैं नहीं हूँ वो नहीं हो सकती। तो गाना बजाना भी जो कई लोग कहते हैं कि भाई वो मैं नहीं थी, वो तो कहा गया तो मैंने कर दिया, और कुछ लोग इसमें बड़े बड़े उदाहरण देते हैं बड़े बड़े कलाकारों का कि देखिए उन्होंने भी कैबरे गाया था, उन्होंने भी ये गाया था, और वो भूल जाते हैं कि वहां भी क्या शिष्टता और क्या मर्यादा थी। लेकिन इस प्रकार के दानों को जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जनता श्रोताओं को दिखाना होगा कि हमारी जो पूर्वज स्त्रियां थी, हमारे घर की जो बड़ी बुढ़िया थी, वो उनके गानों में भी बड़ा श्रृंगार होता था, बड़ा रस होता था जी, और बड़ी मर्यादा होती थी। अब बिना अपना स्तर हल्का करे वो कितनी गहरी गहरी बात, और क्या अच्छा रस लगता था उनके गाने में, उनके जरा घूम जाने में, हाथ वो करने में। और मैंने कहा मैं ऐसे गाने सामने लेकर के आऊंगी, और एक दशक लग गया, 10 साल तो सिर्फ इसी उसमें लग गए कि वहां पे उस वो जो एक बाजार है, मैंने कहा मैं बाजार को देखते निकल नहीं दूंगी कि मैं क्या गाऊं और क्या ना गाऊं। मार्केट या अपना श्रोता या अपना मंच मैं खुद बनाऊंगी, और उसके लिए जब जहां जैसा अवसर मिला तो मैंने क्षणिक लोकप्रियता नहीं देखी जी। मेरा ईमान को जो सही लगता था वो रास्ता चुना। जैसे कि रियलिटी शो में मुझे अब तक 20-22 साल पहले मैं सारेगामा की विनर थी अंताक्षरी की जी। और जब फिर मैं ठुमरी सीख रही थी अपनी गुरुजी से, गिरजा देवी जी से,
तो मैं लोकगीत गाती थी, मुझे इस बात का भान था कि मैं दोनों में संतुलन बनाना है। कार्यक्रम करती रही और जब ऐसे मंचों पर बुलाया जाता तो वो कहते थे कि उनका सुनाइए या गीत सुना दीजिए, तो मैंने कहा नहीं, हमारे गुरुओं ने कहा ये सब नहीं सुनाना मेरे को, बहाना बना देती थी। उसके बाद एक रियलिटी शो में अवसर मिला और वहां पर भी मैंने यही कहा कि पब्लिक वोटिंग थी वहां भी, लेकिन मैंने कहा नहीं, जनता को मैं ये नहीं डिक्टेट करने दूंगी कि मैं कितना गिरूं, मैं जनता का भी स्तर बढ़ाऊंगी सुनने का। और मैंने इसमें सोहर, बिरहा, धोबिया, बन्ना, हल्दी, सेहरा, कजरी, सोना, इस तरह की विधाएं सुनाई जो कहीं ना कहीं लुप्त हो रही थी। और आप यकीन नहीं कर सकते कि एक ऐसा दौर आ गया कि कई लोगों को लगा कि अरे ये सब तो घरों से तो ढोलक गायब हो गई, हम लोग ये सब सुनते थे छोटे थे, तो अब तो ये तो होता नहीं, डीजे बजता है शादी में जी। और फिर कुछ शोज में जी, वहां भी मैंने जिम्मेदारी से भूमिका का निर्वहन किया कि अश्लील गाने गाने वालों की मैंने खूब खबर ली जी। और मुझे मालूम था उसके लिए मेरी आलोचना भी होगी जी। और कहीं ना कहीं मैं बहुत एक ऐसे वर्ग के खिलाफ जा रही हूँ जो ऐसे गाने सुनना पसंद करता है जी। लेकिन मैंने माना नहीं और उसका बहुत लाभ भी मिला। लाभ ये मिला कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि जरूरत थी कि कोई दमदारी से इन चीजों का विरोध भी कर सके। मुझसे कई बार लोग कहते थे कि आप वहाँ ये वो, हम लोग अश्लील गानों के खिलाफ एक यात्रा निकाल रहे हैं, पुतला फूकेंगे, आपका भी वहाँ समर्थन चाहिए। मैंने कहा ये सब मैं नहीं करती, नारेबाजी करके ये नहीं होगा, बड़ी लकी खींच के होगा। आप अच्छे गानों का मार्केट दीजिए ना, पुराने गाने अपने आप हट जाएंगे जी। और उसका फिर लाभ हुआ, अच्छे अच्छे कलाकार जो हमारे भोजपुरी में बहुत, जो नई पीढ़ी में कुछ नए लड़के बच्चे इतने अच्छे आए, वो सब आप देखें तो धूम धूम कर पुरानी विधाओं को भी गा रहे। बाबू जी, जो कोरोना पे आपने गाना गाया है, गाना गढ़ा है, क्या सोच के, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की, आज कई जगह उस गाने को लोग अपने यूट्यूब में डला है, उसको सुन करके उससे प्रेरणा ले रहे हैं कि हम कोरोना से कैसे लड़ना है, ये कैसे। लेकिन उसके पहले एक हमारा व्यक्तिगत सवाल है जिससे मैं निश्चित तौर पर मैं पूछना चाहूँगा आम दर्शक भी, कि आप ऐसे समय पे आपने कदम रखा भोजपुरी गीत पे जब अंग्रेजी और अंग्रेजियत पूरी तरह से भारी थी, आप मेरा मतलब समझ गई होंगी, और ऐसे समय में क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय बोली भोजपुरी, उसको लेकर के आपने उसको एक इतिहास रच दिया, उसको स्थापित कर दिया, तो अंग्रेजियत से कैसे लड़ पाई आप, जबकि एलीट वर्ग, मैंने आपके पति आईएएस से अपने आप एलीट वर्ग में आ जाते हैं, उनके बीच में एलीट वर्ग के बीच में उठना बैठना रहा होगा, ऐसे में आपने जो चुना, तो अंग्रेजियत को कैसे हराया आपने, बहुत संक्षेप में जाने, फिर थोड़ा सा गाने पे हम जानना चाहेंगे आप। संक्षेप में इसका उत्तर यह है कि मैं शुरू से ऐसी थी, लेकिन शिक्षा दीक्षा कॉन्वेंट में हुई, जो माता पिता का निर्णय था जी। और हम जब पढ़ करके वहां से निकले तो मैंने, मुझे लगता है कि जब आदमी 12th करता है 17 साल 18 साल तक, उसकी बुद्धि इतनी परिपक्व हो जाती है जी, कि थोड़ा बहुत उसको अपना लक्ष्य समझ में आने लगता है जी। तो पहला लक्ष्य तो मेरे जीवन में यही था कि मानसिक गुलामी नहीं करनी है जी। 17-18 साल में समझ में आ गया जी। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब ग्रेजुएशन में विषय हमें लेने का जब विकल्प आया जी, कि मैं क्या लूँ, तो आप समझते हैं उस समय तो इंग्लिश लिटरेचर यदि आप ले रहे हैं ह्यूमैनिटीज में है जी, तो आपको अंग्रेजी साहित्य तो लेना ही लेना है जी। और मैंने उस समय कहा नहीं, हम नहीं लेंगे। और मुझे याद है लखनऊ में जब मैं आई थी तो आईटी और अवध कॉलेज सबसे अच्छे माने जाते थे उस समय एडमिशन के लिए जी। तो वहाँ पे जो मेरे बाकी दो जो मेरे पसंदीदा विषय थे वो राजनीति शास्त्र और इतिहास था, यानी पोलिटिकल साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री। तो तीनों, दोनों ही विद्यालयों में मुझे विषय ऑप्शन मिल रहा था इंग्लिश लिटरेचर के लिए, इंग्लिश पोलिटिकल साइंस हिस्ट्री, दोनों जगह जी। मैं दोनों कॉलेज भी गई और मैंने अपने माँ पिता जी से कहा कि नहीं, हमें पढ़नी नहीं अंग्रेजी जी, जितना बोलना है, जितना संवाद करना है वो अच्छों से अच्छा कर लेती हूँ जी। और ये मानसिक गुलामी नहीं चाहिए, मैं तो हिंदी साहित्य लूंगी या उससे भी ज्यादा मैं संस्कृत साहित्य लूंगी, संस्कृत मेरा विषय रहा पर जी। तो मेरे माता पिता बहुत दंग हुए, बोले कि ये तो विकल्प है नहीं कहीं,
तो मैंने फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और संस्कृत राजनीति शास्त्र और इतिहास पढ़ा। और मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ने के लिए मना किया कि मैं हिंदी मीडियम से जब ग्रेजुएशन नाटक की अपनी परीक्षा करूं कि मैं भारत को जानना चाहता हूं। ये मैं 18-19 साल का निर्णय बता रही हूं आपको जी। जी, तो जी। ये मुझे लगता है इंसान खुद ऐसा होता है कि वो मुझे मैं भारत को जानना चाहती थी, समझना चाहती थी। मुझे लगता था कि हम तो संस्कृति हैं जी। और हमारे ही सामने पीढ़ी आ रही है कि हम संस्कृत नहीं जानते, हिंदी नहीं जानते, और जो छोड़ के चले गए 70 साल पहले उस भाषा को क्या करना जान के, संवाद हेतु जितना जानना उतने अंग्रेजी बहुत है। फिर विवाह जब हो गया तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अच्छा, इसके अलावा संगीत रोज शाम को भात पट्टे में टिकती थी, तो एक तरह से चार विषयों का प्रतिदिन अध्ययन चल रहा था जी। तो जब पतिदेव के साथ विवाह हमारा तय हुआ जी, जो कि अरेंज मैरिज थी, परिवार द्वारा तय किया गया विवाह था जी। तो जब हमारा विवाह हुआ तो मुझे ये बात का भान था कि हमारे यहाँ पर इंडियन सिविल सर्विसेज है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहलाती है जी। और कहीं ना कहीं बड़ी कुलीन और अभिजात के वर्ग की ही सेवा मानी जाती है जी। लेकिन वहां पे भी जा करके मैं सौभाग्यशाली थी कि मेरे जो जीवन साथी होने वाले थे, क्योंकि आप मिलते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कौन किस प्रकार के व्यक्ति से आपका विवाह हो रहा है जी। तो मैं वो समझ गई थी कि उनका लक्ष्य ही देश सेवा और समाज सेवा था, और मुझे इससे बड़ी कोई चीज चाहिए ही नहीं थी अपने जीवन साथी। एक बार ईमानदार व्यक्ति चाहिए था, बाकी मुझे मालूम था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमानदार व्यक्ति हो जो जिसका जीवन का सिर्फ सपना ही समाज और देश की सेवा हो, तो बाकी चीजें तो सब बहुत पीछे। और मुझे खुशी है कि जो हमने सन 87 में जो शादी तय हुई थी, जैसे पति हमारे हमने पाए थे, आज भी उससे ही वही मेहनत, वही निष्ठा, वही नियत, वही सोच, और उसमें उतना योगदान कर भी रहे हैं। तो जब विवाह हमारा हुआ तो हमारे परिवेश वैसे ही था, जो आपने शब्द कहा जी। लेकिन मैं तो सांस लेना चाहती थी जी। सांस लेना था, और सांस तो आप जब सहज होते हैं तभी ले सकते हैं जी। साथ ही साथ जो भद्रलोक है, यानी जो एलीट वर्ग है, वहां पर सम्मान भी देना था सबको, क्योंकि वो तो फिर आपकी वो भी दूसरी सच्चाई है जी। जैसे आप ससुराल में सबको सम्मान देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, अपने संगतकारों को देते हैं, सभी को देते हैं, ऐसे ही जो सेवा में भी जो वरिष्ठ मिले उनको भी सम्मान देना, वो भी हमारे जीवन का एक सत्य था। तो बड़ा सुंदर संतुलन सामंजस्य से बैठाया मैंने, और वो आज तक बैठा रही हूँ। और लेकिन इसमें कहीं पर मैंने कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि मैं जिंदा रहना है मुझे, और जिंदा रहने के लिए सांस लेनी जरूरी है, और वो सिर्फ सहज होकर के ही की जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल, मान लीजिए जिस तरह से आपने भोजपुरी लोकगीत में अपना मोहर लगाई है, उसी तरह प्रशासनिक वर्ग में अवस्थी जी की अपनी ईमानदारी, कर्मठता और निष्ठा की मोहर है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने लोकगीत में बहुत बड़ी मोहर लगा दी है, उन्होंने समाज सुधार और उत्तर प्रदेश और उत्तर की गिनती, उनका उदाहरण दूसरे प्रदेशों में भी दिया जाता है। आपके पास निश्चित समय कम होगा, मुझे इशारा बार बार किया जा रहा है कि आपके पास समय कम है। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा, मैं सुनना तो आपसे कुछ दूसरा सुन रहा था, मैं आपको बता दूं, मेरी पत्नी भी पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी है, प्रोफेसर है, लेकिन आपकी बहुत बड़ी फैन है। खासकर जब भी हम लोगों की कुछ बात होती है, फुर्सत के क्षण में होती है, हमारी कभी अनबन हो जाती है, तो मैं मोबाइल पे आपका सैया उड़ावे कनकैया वाला लगा देता हूँ, तो हम लोगों की फिर से वापस वातावरण सामान्य हो जाता है। तो आप तक हम वो गाना गुनगुनाना चाह रहे थे कि आप वो गुनगुना देती, लेकिन पहले कोरोना में जो आपने गढ़ा है और गाया है, ये आपको कैसे प्रेरणा मिली एकदम से? जब जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने आकर के एक तिथि निश्चित करी कि जनता कर्फ्यू जी का आह्वान उन्होंने किया जी, और ये भी कहा कि एक लंबी लड़ाई है जी, तो समझ में आ रहा था कि ये शायद एक दिन नहीं और लंबा प्रोलॉन्ग होगा जी। और कोरोना, भारतवर्ष इतनी बड़ी बड़ा देश है कि यहाँ पर वास्तव में यदि आ गया तो इसके क्या परिणाम होंगे। उसी दिन थोड़ा सा सन्नाटा तो वैसे ही आने लग गया था एक दिन पहले, तो मैंने हमारे एक मित्र है उनको बोला स्टूडियो जाना है मुझे और रिकॉर्ड करना है, बंद था उनका स्टूडियो, एक ही म्यूजिशियन मिला, मैंने उन्हीं के संग बस खुद ही गाना लिखा जी, खुद ही उसकी धुन बनाई। और मुझे याद है कि जब मैं घर तक आई तो रात को यूट्यूब पे करके अपलोड करते करते मुझे 11:30 बज गए जी, और मैं सो गई। सुबह मुझे किसी ने फोन करा, कह रहे देखो देखो प्रधानमंत्री जी ने तो उसको रिट्वीट कर दिया है, तब तक वो वायरल हो चुका था गाना।
और मैं हैरान थी कि प्रधानमंत्री जी की इतनी नजरें हैं, क्योंकि वो मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी। मेरा सौभाग्य है प्रधानमंत्री जी मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं बहुत हैरान थी कि कब उनकी नजर पड़ी इस पर और वो गाना जन जन तक पहुंच गया। मैंने उसमें ये संदेश देने की कोशिश की थी जी। जो शब्द से ही पता चलता है कि हवाओं ने देखा है पहरा, असर देखो कितना है गहरा, पूछी है हर कोई देखो खतरा बड़ा है पहचानो, डरना नहीं मुस्कुराना है मिलकर इसे हराना है। इसे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन मिलकर के अब इससे हम निपट कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत टीवी मोबाइल सब जगह सिर्फ कोरोना कोरोना चल रहा था, तो मैं चाहती थी कि वो खौफ खत्म हो, साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक हिम्मत दे कलाकारों का, शुरू से काम का है कि वो एक ऊर्जा बन करके खड़े होते हैं, तो उसलिए ये गाने का मैंने बनाया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात का संकेत करना चाहती हूँ, जो आपने आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, मैं बताना चाहूंगी कि इस लॉकडाउन के टाइम पर कलाकारों के सामने बहुत संकट का समय चल रहा है, और ये मार्च से ही सारे जितने भी लोक कलाकार, क्षेत्रीय कलाकार हैं और फिस्टा के कलाकार हैं, सब घर पे बैठे हैं इस समय। तो उन सभी कलाकारों के लिए हम लोगों ने समाज से अनुदान के लिए सेव द रूट का आह्वान किया है कि वे देश की जड़ों को, देश की जो हमारी रूट्स हैं उनको संभालें, यथाशक्ति उसमें दान दे ताकि कलाकारों के घरों में चूल्हे जल सके। और ये हमने बड़े बड़े कलाकारों को भी से जोड़ा, परसों इस कॉन्सर्ट का भी प्रसारण हुआ था, उसमें अनुपम खेर जी, सुभाष जी, कैलाश खेर जी, बिरजू महाराज जी, सब बड़े बड़े कलाकारों ने इसमें आकर न सिर्फ आह्वान किया कि आप लोग थोड़ा थोड़ा भी धनराशि भी आकर के दें तो उन कलाकारों के लिए बहुत बड़ी एक नियामत हो जाएगी, जिनके घर पे, जिनकी आय सिर्फ मंच से है और 2 महीने हो गए और अगले शायद सोशल डिस्टेंसिंग के नाते 4 महीने और कार्यक्रम होने भी नहीं है। तो मुख्यतः मैंने आपको ये संदेश देने के लिए यहाँ करा था इस इंटरव्यू के लिए, आपको सवाल पूछा नहीं लेकिन मैंने आपसे खुद ही बोल दिया। जी जी जी, निश्चित तौर पर कोई और संदेश देना चाहती हूँ अगर आपके पास थोड़ा समय नहीं, यही है जी। नहीं, बस यही कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जी, वो कृपया थोड़ा सा कठिनाई का समय है सभी देशवासियों के लिए जी, लेकिन उनके लिए भी सोचें जो आपका दिल बहलाते हैं जी, जो तीज त्योहार ब्याह सारे मांगलिक अवसरों को आपके लिए जिंदा रखते हैं जी, उन कलाकारों के आज रोजी रोटी का संकट है। तो यदि आप जैसे मंदिर में 10 रुपए चढ़ाते हैं, उन कलाकारों के लिए भी यदि आप कुछ दान देंगे जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो गूगल जाएं, सेव द रूट्स, सेव द रूट्स कॉन्सर्ट करके आप यदि गूगल करेंगे या फेसबुक का खोलेंगे, सीधे लिंक खुल जाता है, पेज खुल जाता है, या मेरे फेसबुक से जुड़े वहां पर भी दिख जाएगा या मेरे ट्विटर पे भी दिख जाएगा, और आप आकर के भी दान दें तो ये कहीं ना कहीं पर, क्योंकि इसमें हम लोग के संग कोई कॉरपोरेट अभी तक नहीं है, न कोई बड़ा धनाढ्य कोई वर्ग है, सिर्फ जनता, और मुझे बहुत खुशी है कि जनता ही इसमें 5 रुपए से लेकर के जनता ने 50,000 रुपए तक दान दिए हैं, और ये हम चाहते हैं कि उन कलाकारों के, खासतौर पे हमारे जो जनजाति आदिवासी लोक कलाकार हैं, जो हमारे इसमें घर बैठ गए कलाकार हैं, नौटंकी के कलाकार हैं जिनके सामने दूर दूर तक कोई अभी मंच का कुछ दिखने वाला भी नहीं, उनके हम आगे बढ़ के कुछ सहायता कर पाए इसी के लिए। निश्चित तौर पर मान लीजिए आपकी इच्छा को स्वराज एक्सप्रेस इसको प्राथमिकता से चला करके, जो आपने लिंक बताया बहुत बहुत धन्यवाद, उसको भी प्राथमिकता से लेकर चलाएगा स्वराज एक्सप्रेस भी, निश्चित तौर पर आपने निर्देशित किया है तो उसमें कुछ अपनी तरफ से अंशदान करेगा निश्चित तौर पर। आपके पास समय अगर एक आध मिनट हो तो एक बहुत छोटा सा अहम सवाल और करना चाहता हूँ अगर आपकी अनुमति हो तो जी। आप जब विदेश की धरती में, आपने कई विदेशों में आपने परफॉर्म किया है, जब वहां परफॉर्म करती हैं, खासकर हमें जब पढ़ा मैंने कि आपने इंग्लैंड में परफॉर्म किया जिसने हमारे ऊपर अंग्रेजी और अंग्रेजी थोपी, तो आपको उस समय कैसे लगा? आश्चर्य हुआ और मुझे ये भी लगा कि पहला कार्यक्रम देखिए हमारा इंग्लैंड में हुआ, विदेश का जो पहला कार्यक्रम था मेरा जी, वो सबसे पहले इंग्लैंड में ही हमारा हुआ जी, और अलग अनुभव था
खास तौर पे इससे ये सोचना कि उतरते ही ये तो लगा कि बताइए जरा इतना बड़ा मुट्ठी भर का छोटा सा देश और हम लोगों के ऊपर न सिर्फ राज किया बल्कि बड़ा अत्याचार भी किया जी। तो और कितना वो जो मानसिक गुलामी वाली बात है जी। और शायद यही कारण था कि मैं गई थी वहाँ पे सारेगामा की शूटिंग थी जिसमें हम गए थे जी। और 20 दिन मेरा रहना हुआ वहाँ शूटिंग के उसमें जी। तो वहाँ 22 दिन जी 12-14 दिन तो मैं वहाँ पर जब जो ऑडियंस आती थी कार्यक्रम देखने उसमें अंग्रेज भी होते थे और जो एशियंस होते थे यानी कि भारतीय कुछ पाकिस्तानी मूल के भी बांग्लादेशी सभी वहाँ पर तो आपको पता सब एक हो जाते हैं और सब देखने सुनने आते थे। तो मैंने वहाँ पे भी कजरी निर्गुण ठुमरी दादरा चैती देशज चीजें ही प्रस्तुत करी जी। मुझे हमेशा से लगता है कि शायद इनसे बड़ी कोई प्रतिनिधित्व भारतीय संस्कृति का कुछ करता नहीं जी। मुझे लगा कि तो मैंने वो गीत वहाँ पे गाए और खड़े होकर के अभिवादन मिला पहली प्रस्तुति पे तो बहुत आनंद आया। और अब तो पूरे देश विदेश में जहाँ भी कार्यक्रम में जाती हूँ पहली बात तो कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तानी अब तो पूरे विश्व में इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी शक्ति है कि वे कार्यक्रम देखने आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर विदेशी विदेशी आते हैं कार्यक्रम देखने जी। जहाँ पर उनके लिए भाषा की भी समस्या होती है जी। तो वहाँ भी मैं प्रयास करती हूँ क्योंकि बायलिंगुअल में कार्यक्रम दूं मैं गाने को अंग्रेजी में समझा करके भी उनके लिए आसान करती हूँ ताकि वो और समझ सके और उसको मैं गाने को फिर ला करके अपने इंडियन रूट्स से कनेक्ट करती हूँ। तो मैं उदाहरण देना चाहूंगी जर्मनी में कार्यक्रम देने गई बर्लिन में और शाम तक मेरे को लग रहा था क्योंकि वीकडे था वीकेंड में कार्यक्रम नहीं था तो मुझे लग रहा था कि कैसे लोग आएंगे भी तो वहां पर उन्होंने कहा नहीं धीरे धीरे देखिए शायद भर जाए यहाँ पे ज्यादा ज्यादा 150 लोग आते हैं कार्यक्रम देखने। जब तक मैंने अपना पीछे कैसे करके झांका पड़ते तक तो वहां पर कुर्सियां उनको एक्स्ट्रा लगानी पड़ गई भरा हुआ था पूरा और मैं हैरान रह गई कि उसमें इंडियन जो जर्मनी बर्लिन के आए करीब 50 लोग रहे होंगे बाकी सारे जर्मन थे जी। जर्मन थे या यूरोपियन थे जी। और 2-2.5 घंटे की जब मेरा कार्यक्रम चला तो जो वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो उठ करके आई मालती उनका नाम है मालती रैजा वो उन्होंने मंच पे कहा कि हम लोग को ये मानते हैं कि यहाँ पे डांस पसंद करते हैं इंडियन जब आर्टिस्ट आता है स्पेशली भरतनाट्यम होती थी बट इतनी भीड़ हमने कभी किसी आर्टिस्ट के लिए नहीं देखी जबकि हम इतना प्रचार भी नहीं कर पाए सिर्फ 10 दिन का प्रचार है और यहाँ पे तो वो मुझे उस दिन मैंने बल्कि जर्मन एम्बेसी ने भी इसको ट्वीट किया था मेरे कार्यक्रम को मुझे याद है पिछले साल की बात है गर्मियों की। तो मैंने इस चीज को महसूस करा कि विदेशी भी जो है भारत से जुड़ना चाहते हैं भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं और हमारे जैसे कलाकार जब विदेश जाते हैं तो वहां पर मैं बहुत पीछे रह जाता है भारत आगे आ जाता है जी। तो हमारा उद्देश्य भी ये होता है कि कार्यक्रम की जो छवि जाए उसके पीछे जो संदेश है वो जो भी लेके जाए वो भारत का लेके जाए मालिनी अवस्थी का ना ले जाए मैं तो जरिया हूँ जी। बहुत सुंदर अनुभव रहता है जी। जी लगता है कुछ तकनीकी कारणों से मालिनी जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा। मालिनी जी आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? मुझे तो आपकी आवाज पूरी सुनाई दे रही। जी जी मुझे थोड़ा सा वो लगा और हालांकि आपके पास बहुत कम समय है चलते चलते मैं यही चाहूंगा कि एक बार फिर से कोरोना से लड़ना है कोरोना को हराना है एक बहुत छोटा सा संदेश दे दें इसका हमारा इस प्रोग्राम समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों श्रोताओं को मालिनी अवस्थी का ये सादर निहोरा है विनती है कि आप लोग जब तक जरूरत ना हो बहुत ज्यादा घर से बिल्कुल बाहर मत निकले और ये लॉकडाउन का पूरा पालन करिए। मैं तो कहूंगी लॉकडाउन समाप्त हो जाए तो भी आप लॉकडाउन में ही रहिए क्योंकि आप तब तक सुरक्षित है जब तक आप घर पे हैं। एक वायरस है जिसका भी इलाज ढूंढा जा रहा है और सरकार यथाशक्ति इस प्रयास में लगी है कि आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखे। तो आप इस पूरे दौरान संगीत से जुड़िए अपने परिवार से जुड़िए अपने देश से जुड़िए और ईश्वर चाहेगा बहुत जल्दी ये सारा भी एक बुरा स्वप्न बंद करके सब बीत जाएगा फिर से सब कुछ पहले जैसा होगा। लेकिन तब तक प्लीज फॉलो द हेल्थ गाइडलाइन घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए हाथ धोते रहिए
सफाई का विशेष ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माल्य जी। तो ये थे भोजपुरी लोकगीत की प्रमुख हस्ताक्षर माननीय अवस्थी जी, जिन्होंने अपने सारे अनुभव साझा किए। हमें बहुत बहुत उनको बधाई धन्यवाद कि उन्होंने स्वराज एक्सप्रेस में ऐसे भी अनुभव साझा किए जो अनछुए पहलू थे। तो यहीं से हमारा प्रोग्राम समाप्त होता है। नमस्कार।